है एवरी वन आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू टूडेज़ न्यू एक्जीक्यूशन वीडियो सो दोस्तों आज का डेट है ट्वेंटी सिक्स ऑफ अप्रैल वेनजडे एंड करेंट टाइम इज इलेवन डॉट फिफ्टी एम सो कल के मार्केट कंडीशन अगर देखेंगे तो वीकनेस हमने वहाँ पर एक्सपेक्ट किया था बट सेकेंड हाफ सेशन में भी मार्केट्स ने अपनी स्ट्रेंथ को वहाँ पर कंटिन्यू किया है सो so, आज का मार्केट भी अगर मॉर्निंग सेशन से देखेंगे तो एक स्ट्रेंथ मार्केट में नोटिस किया जा सकता है जिसके बेस पर बाइंग पर बाइंग पोजीशंस को हमने क्रिएट किया है सो so, आज के दिन कंटिन्यूशन का एक्सपेक्टेड है मार्केट्स सबसे पहले मॉर्निंग में एक सेलिंग स्विंग का क्रिएशन किया है मॉर्निंग की फर्स्ट टू थ्री कैंडल एक सेलिंग साइड का क्रिएट हुआ है इसके बाद बट देखेंगे तो शार्प वी शेप का रिकवरी है एंड मार्केट्स अपना मेजर क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल पर है तो ये सारे इंडिकेशन स्ट्रेंथ के हैं सो so, इसी बेस पर कंटिन्यूएशन पर कि मार्केट कंटिन्यूएशन करेगा एक्सपेक्टेशन पर बाइंग पोजीशंस को बनाया गया है चलिए सो चार्ट्स के थ्रू पोजीशंस को अंडरस्टैंड करेंगे ओके सो करंट टाइम इज 11.52 एम एंड करंटली मेरे स्क्रीन पर इंडेक्स का चार्ट यहाँ पर ओपन है सो एज वी कैन सी कि आज का पोजीशन 8500 क्वांटिटीज को लिया गया है मंथली एक्सपायरी है अप्रैल सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का कॉल ऑप्शन लिया गया है सो एवरेज प्राइस देखेंगे तो वन सिक्सटी एट पॉइंट एट सेवन का आज के दिन यहाँ पर हमें मिला है सो करंट पोजिशन देखेंगे तो मार्केट जो एक्सपेक्टेशन लेवल है कि आज के दिन अपने इंट्रा डे को यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर की तरफ कंटिन्यूशन को करना चाहिए सो so, यहाँ पर मार्केट्स अपने इंट्रा डे हाई को ब्रेक कर चुका है एंड ब्रेक के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्केट में रेजिस्टेंस एक्टिविटी देख सकते हैं सो so, ब्रेक के बाद प्राइसेस थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा है एक सडन क्विक मोमेंटम बाइंग साइड का नहीं है सो so, इसका रीजन ये भी है कि मार्केट वी शेप में मॉर्निंग से कंटिन्यूस रिवर्सल हुआ है तो कंटिन्यूस इतना बड़ा मोमेंटम रिवर्स हुआ है तो देखिएगा कल का सेलिंग स्विंग देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट यहाँ पर रिवर्स हो चुका है सो ऑलरेडी मार्केट्स में स्ट्रेंथ एक काफ़ी ज्यादा स्ट्रेंथ का ये इंडिकेशन है एंड प्राइसेस में आज के दिन स्ट्रेंथ यहाँ से कंफर्म हो चुका है कि प्राइसेस में आज स्ट्रेंथ है कॉज मार्केट ऑलरेडी अपने प्रीवियस डे के स्विंग को सेवेंटी परसेंट से ज़्यादा रिवर्स कर चुका है मॉर्निंग स्विंग की बात करेंगे तो मॉर्निंग के साथ मार्केट सेल ऑफ हुआ एंड पूरा रिकवरी होते हुए इंट्राडे हाइस को भी यहां पर ब्रेक कर चुका है सो बाइंग साइड का ट्रेड हाईली कन्फर्मड है वी आर कॉन्फिडेंट ऑन द बाइंग साइड एंड जो आज का एक्सपेक्टेशन है कि अब जैसे कि कंटिन्यूस मोमेंटम हुआ है तो कंटिन्यूस मोमेंटम हुआ है तो ये जरूर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाए थोड़ा सा हॉल्ट करे एक रिप्लेसमेंट आए लेकिन स्ट्रेंथ कंटिन्यू होने का एक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तो स्ट्रेंथ रहेगा तो मार्केट हायर लोस के साथ अगेन ब्रेक के साथ आज के दिन प्रीवियस डे के हाई तक का मोमेंटम यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सो प्रीवियस डे का हाई देखेंगे तो यहाँ पर प्रीवियस डे का हाई है एंड प्राइसेस करेंटली इंट्रा डे का हाई ब्रेकआउट किया है थोड़ा टाइम स्पेंड करने के साथ मार्केट अगेन अपने मेजर हाईस की तरफ यहाँ पर प्रोसीड करना चाहिए सो काफ़ी सिंपल एनालिसिस पर आज का एग्जीक्यूशन किया गया है इंट्रा डे हाई का ब्रेक का एक्सपेक्टेशन था जो रिवर्सल लेवल है कि प्राइसेस किसी भी कंडीशन में या जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अपना ये पर्टिकुलर सपोर्ट तक का रिवर्सल नहीं होना चाहिए सो so, इसी पर्टिकुलर सपोर्ट कंफर्मेशन के बेसिस पर कि इस सपोर्ट के बाद मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस तक आ गया इसी स्ट्रेंथ के कंफर्मेशन के बेसिस पर इस सपोर्ट को आज एस लेवल लेते हुए में होगा, चाहे आज हो या कल हो जब प्राइसेस अगेन ये सपोर्ट तक आएगा ये सपोर्ट तक नीचे सेल ऑफ होगा सो so, जिसका प्रोबेबिलिटी आज के दिन काफी ज्यादा कम है बाइंग साइड का ही कंटिन्यूशन इज प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन टूडे सो ओवरऑल एनालिसिस अगर व्यू देखेंगे तो प्राइसेस बुलिश है ओवरऑल व्यू यहां पर मैं जूमआउट करूंगा मेजर प्रीवियस कुछ दिनों से मार्केट कंटिन्यूस बाइंग ट्रेंड में था बाइंग के बाद हमारा हॉल्ट यहां पर आया है इस हॉल्ट के बाद अगर इसको एनालाइज करेंगे तो प्राइसेस क्या हुआ है हॉल्ट के बाद सेलिंग स्विंग आया है इसके बाद अगेन ट्राई टू पुश द मार्केट डाउन बट मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज को यहाँ पर स्टेबल किया है सो so ये रेंज क्रिएट हुआ है रेंज क्रिएशन के बाद देखेंगे तो रीसेंट डेज में रिसेंट प्रीवियस के प्रीवियस डे भी मार्केट में गैप अप के साथ सेलिंग आया तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या किया था बाइंग पोजिशन बनाया गया था क्योंकि मार्केट अभी सपोर्ट बनाया है गैप अप हुआ है तो कंटिन्यूस अगर पहला सेलिंग स्विंग आ रहा है गैप अप के बाद रेंज के अंदर तो मार्केट सपोर्ट तक लगातार नहीं गिरेगा तो ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल को भी यहाँ एक बाइंग पोजीशन बनाया था एंड अच्छे टारगेट्स को यहाँ पर भी हमने एक्सपेक्टेशन पर बुक किया था इसके बाद आ जाएंगे तो रीसेंट ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो वीकनेस एक्सपेक्टेड था बट मार्केट वीकनेस यहाँ पर लेट आया सेकेंड हाफ सेशन में सो so आज के दिन प्राइसेस देखेंगे तो ओवरऑल कंफर्म हो चुका है कि रीसेंट जो टू डेज का बिहेवियर है कि रेंज स्टेबल होने के बाद प्राइसेस हायर लेवल पर सस्टेन कर गया है और हायर लेवल पर पुश होने के बाद देखिएगा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है स्ट्रेंथ वीकनेस ऑब्जर्वेशन का कि प्राइसेस अपने रेंज के कौन से लेवल पर आ गया है मेजर लेवल पर आ गया है अपर लेवल तो पर आ गया है तो अपर लेवल पर एनालाइज किया जाता है कि जो भी रिसेंट सेलिंग स्विंग है तो वो सेलिंग स्विंग में प्राइसेस उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया है तो ये सेलिंग स्विंग देखेंगे तो इसका यहाँ पर रिवर्सल हो गया है तो रिवर्सलट से ज्यादा हो जाए वो स्ट्रेंथ का इंडिकेशन होता है सो एज वी कैन सी ब्रेकआउट यहाँ पर आ गया है जो एक्सपेक्टेशन है प्रीवियस डे के हाई तक मार्केट जाएगा तो जाना शुरू कर दिया है हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट भी अराउंड से व्हेन आई स्टार्टेड स्टार्ट रिकॉर्डिंग वी प्रॉफिट ऑफ वन लैक थर्टी थाउजेंड रुपीज एंड करेंटली अराउंड टू लैख थर्टी थ्री थाउजेंड में पी एन एल यहाँ पर चल रहा है सो so, पोजिशन देखेंगे तो यहाँ पर आज के दिन क्वान्टिटी देखिए ज़्यादा क्यों हो जाता है क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाता है प्रीमियम की वजह से प्रीमियम कम है तो क्वान्टिटी वहाँ थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है सो एक्सपेक्टेड रेशियो आ गया है तो एग्जिट ऑर्डरस को रेडी रखेंगे एंड आइसबर्ग रखेंगे फोर फाइव फाइव लैक्स जाएगा सी एम पी सी के नीचे का लिमिट प्राइज रखेंगे एक सौ नब्बे रख लेंगे तो मार्केट प्राइस पे ही एग्जिट करेंगे तो ऑर्डर चला जाएगा वेट करेंगे देखते हैं प्राइस कैसा रिस्पॉन्ड हो रहा है कॉल ऑप्शन ओपन करेंगे तो राइट हैंड साइड पर कॉल ऑप्शन है छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे तो इंडेक्स का भी वन मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है एंड हमारे ऑप्शन का भी वन मिनट ओपन कर लेंगे सो साइड बाय साइड चार्ट्स हमारा विजिबल है करंट पीएनएल अराउंड टू लैक फोर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज़ फर्दर हाइज ब्रेक होगा एंड हम फिर अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पर बुक करेंगे ओके okay, सो so अभी तो ब्रेकआउट आया है मिनिमम जो ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन होता है कि ब्रेक के बाद प्राइसेस मिनिमम अपना ये जो रेजिस्टेंस फेस किया है ये रेजिस्टेंस का ब्रेक यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सो so जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक आएगा फिर हम अपने टारगेट्स को यहाँ पर क्वांटिटीज बाइंग साइड का पंच होगा तो अच्छा क्वान्टिटी मिलेगा अच्छा प्राइस मिलेगा एग्जिट के लिए तो यहाँ पर फिर हम एग्जिट करेंगे सो लेट्स वेट एंड ऑब्जर्व ओके सो करंट टाइम इज ट्वेल्व डॉट जीरो सिक्स पी एम एंड एज वी कैन सी ब्रेकआउट यहाँ पर स्पॉट के चार्ट पर तो आ गया है बट ऑप्शन ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ा डिके चल रहा है एंड ऑप्शन में ब्रेकआउट अभी यहाँ पर नहीं आया है सो so, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और करेंगे अगर स्पॉट कंटिन्यूशन नहीं होता है इसका मतलब क्या है सेलिंग एक्टिविटी हो रहा है प्रेशर यहाँ पर बिल्टअअप हो रहा है तो अगर स्पॉट कंटिन्यूशन नहीं करेगा फर्दर रिडक्शन आएगा तो हम पोजिशन को यहाँ पर एग्जिट कर देंगे सो लेट्स वेट एंड ऑब्जर्व ओके सो आईव सक्सेसफुली एग्जिटेड आवर पोजिशन हिस्सर सो जैसे कि देख सकते हैं कि प्राइसेज में यहाँ पर सिमिलर एक्टिविटी देखने को मिला है कि जैसे हम अपना एग्जिट प्लान करते हैं कि अगर हम ऑप्शन ये बाइंग ट्रेड है सो ऑप्शन बाइंग ट्रेड है तो एंट्री एग्जिट क्विक होना चाहिए तो यहाँ पर हमने क्या किया एक डाइवर्जेंस को ऑब्जर्व किया तो जब भी ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जब भी ऐसा हो तो ये एक साइन होता है नेगेटिव साइन होता है आपकी बाइंग पोजीशन के लिए तो पोजीशन को वहां पर एग्जिट कर लेना चाहिए कि ऑप्शन बाइंग ट्रेड है स्पॉट तो हाईज ब्रेक किया बट ऑप्शन अपना हाईजी ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या है मार्केट बढ़ते हुए मार्केट में सेलिंग पोजीशन ज्यादा बनाई जा रही है सेलर वहां पर नीचे के प्राइसेस पर एक्टिव है सो so, ऐसे सिचुएशन में बेहतर होता है कि बाइंग ट्रेड है टारगेट आ गया है ना आया हो तो होल्ड कर सकते हैं फर्दर अगर स्पॉट ब्रेक करेगा तो ऑप्शन को तो मूवमेंट करना ही पड़ेगा बट अगर टारगेट रेशियोज आ गए आस पास है तो पोजिशन को ऐसे में एग्जिट करना चाहिए सो टुडे वी हैव सक्सेसफुली बुक द टारगेट ऑफ अराउंड टू लैक्स सेवन थाउजेंड रुपीज इसे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर भी एग्जिट को मैं अपडेट करूंगा तो एक काफी अच्छा मोमेंटम देखेंगे तो पोस्ट शेयरिंग के बाद एक बाइंग साइट का ब्रेकआउट एंड एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है सो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल पर देखेंगे तो मॉर्निंग में ही बाइंग साइड का ओवरव्यू है आज का ट्रेड मेरा बाइंग साइड का बनाया जा रहा है तो इसका ओवरव्यू मॉर्निंग में ही यहाँ पर शेयर किया गया कि टाइमिंग देखेंगे तो टेन डॉट थर्टी टू एम यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं इसको टेन डॉट थर्टी टू पर ही शेयर किया गया कि वी आर बुलिश अब सपोर्ट बुलिश अब सपोर्ट का मतलब होता है मार्केट बाइंग ओवरव्यू व्यू में बुलिश है बाइंग ओवरव्यू में और बाइंग ओवरव्यू में कब तक रहेगा जब तक ये सपोर्ट सस्टेन हो रहा है तो 17,747 का लेवल यहाँ पर शेयर किया गया एंड ब्रेकआउट के बाद देखेंगे तो एक काफी अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड का आज के दिन यहाँ पर देखने को मिला है सो so लेवल अगर ऑब्जर्व करेंगे एनालाइज करेंगे तो बुलिश अब ये पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल को शेयर किया गया तो मार्केट रिट्रेस किया पुल एंट्री भी यहाँ पर लिया जा सकता था एंड इसके बाद यहाँ से पुल बैक के बाद एक काफी अच्छा सपोर्ट को सस्टेन करता हुआ प्राइस ने बाइंग साइड का मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू किया है सो so रेगुलर इसी तरह के लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए कि जो भी मेरा सिंगल ट्रेड होता है उसी सिंगल ट्रेड को सिर्फ अपडेट किया जाता है जो भी एनालिसिस है ओवरव्यू है क्या मार्केट कंडीशंस है मार्केट किस लेवल के ऊपर बुलिश है किस लेवल के नीचे बियरिश है तो एक लाइव मार्केट लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए टेलीग्राम चैनल को स्टार्ट किया गया है सो so इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंड जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे सो सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टिल डेड बाय टू ऑल